हेल्दी मॉर्निंग. आज है मंडे का दिन, यानी एक और हफ्ते का आगाज. और आज एक हफ्ते का आगाज जो होता है ना, वो भरपूर एनर्जी के साथ ही करना चाहिए. और ये एनर्जी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ एक दो दिन चले, या हफ्ते के आखिरी दिन तक हमारे साथ चलनी चाहिए. और वीकेंड जो हमें मिलते हैं, वो हमको वापस दोबारा से एनर्जाइज करने के लिए मिलते हैं. हम वापस से एनर्जाइज हो जाए, जितनी हमने एनर्जी यूज़ कर ली है वो वापस से हमारे अंदर आ जाए. आज जो हमारा शो है, उसका फॉर्मेट मैं आपको बताती चलूँ. आपको पता ही है हमारे शो का फॉर्मेट किस तरह का होता है. इट्स जस्ट दैट बातें जो होती हैं वो हमारी रोज़ाना डिफरेंट होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारी रोज़ाना डिफरेंट होती है. फॉर्मेट अप्रॉक्सीमेटली हमारा वही होता है. तो मैं आज के शो का फॉर्मेट आपको बता दूँ. सबसे पहले आपको पता है कि आज हमारे पास होगी फरहाना मिर्ज़ा की एक्सरसाइज, जो उन्होंने रेजिस्टेंस बैंड से करनी है. और रेजिस्टेंस बैंड्स क्या है, इन्होंने आपको फ्राइडे के दिन एक्सप्लेन किए थे कि इस पूरा हफ्ता वो रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ एक्सरसाइज करेंगी. तो आज अपर बॉडी वर्कआउट है, रेजिस्टेंस बैंड है, इलास्टिक्स जो होते हैं इतने लंबे लंबे उनके साथ. तो आप आज उनकी एक्सरसाइज जब फॉलो करके वापस आएंगे तो हमारे पास होगी हेल्दी मॉर्निंग टिप. हेल्दी मॉर्निंग टिप के बाद आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है. हेल्दी मॉर्निंग टिप के बाद हमारे पास होता है पोल ऑफ द डे. और जब पोल ऑफ द डे होगा तो उसका सवाल भी कुछ वैसा ही चटपटा सा, स्पाइसी सा नहीं. एक्चुअली वो सवाल जो होते हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, और वो एक सेकेंड के लिए हमें किसी ना किसी बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं. लेकिन इतने थॉट प्रोवोकिंग होते हैं. आपने सोचा न्यू लाइक क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, या क्या ये मेरे सराउंडिंग में सही हो रहा है, क्या मुझे उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए. आपको पता है पोल हमारे ऐसे ही होते हैं. उसके बाद आपको पता है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा. और एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में हमारे पास आज होंगे लियाकत सत्यन साहब. जब वो मौजूद होंगे तो आप लोग के जो डेटाज आए हैं वो भी डिस्कस करूँगी, और आप लोग के फ़ोन कॉल्स भी हमें अटेंड करेंगे. उसके बाद जो मेडिकल सेगमेंट है, हमें एक फरमाइश आई थी हेपेटाइटिस पे शो करने की. तो हमने कहा कि क्यों ना आज हम हेपेटाइटिस, जिसमें हेपेटाइटिस बी पे भी बात की जाएगी डेफिनेटली, उस पे बात करें. तो आज हम हेपेटाइटिस बी पे, और इनफैक्ट सारे हेपेटाइटिस पे बात करेंगे. सबसे आखिर में होता है बेस्ट फाइव का सेगमेंट. और बेस्ट फाइव के सेगमेंट में हमारे पास कौन होता है, कोई सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद होता है. आज भी वो मौजूद होंगे. यानी मैंने यहाँ पर आपको उनका जेंडर बता दिया, नाम नहीं बताना, नाम तो आपको आखिर में ही पता चलेगा. अभी वक्त हो गया है फरहाना मिर्ज़ा के पास चलने का, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बैंड के साथ हमारा वेट कर रही हैं. और इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, मैं आपको ये बता दूं कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv. और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthytv.tv, यहाँ पे भी आके आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपनी एडवाइस दे सकते हैं. जो बात आप चाह रहे हैं कि हम करें, हम वो कर सकते हैं. और एक है हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर राफा, इस पेज पे भी आकर आप हमसे बात कर सकते हैं. मेरी पर्सनल आईडी पे नहीं, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन, नॉट ऑन माय पर्सनल आईडी. और इस सब चीज़ों के साथ वक्त हो गया है फरहाना मिर्ज़ा के पास चलने का. तो चलते हैं फरहाना मिर्ज़ा के पास. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक एंड योगा इंस्ट्रक्टर. और जैसा कि पता है कि हमारा वेट रिडक्शन का प्रोग्राम चल रहा है, और सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है. और आज सेकंड मंथ का सेकंड वीक का फर्स्ट डे है, यानी आज मंडे है. और जैसा कि मैंने आपसे फ्राइडे में भी जिक्र किया था कि कमिंग मंडे हम लोग वेट रिडक्शन के प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करेंगे प्लाटी बैंड या रेजिस्टेंस बैंड्स को. आपको नज़र आ रहा होगा मेरे सामने, मेरे हाथ में तीन तरह के बैंड्स हैं जिसको हम रेजिस्टेंस बैंड कहते हैं. ये तीन तरह के इसलिए हैं कि इसमें एक जो है ये वाला जो है ये सॉफ्ट होता है, ये फॉर बिगनर्स के लिए है, ठीक है. अच्छा, ये मैं नीचे रखती जा रही हूँ. और ये वाला जो है ये मीडियम है. इसमें अगर आप समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप सेकंड लेवल पर आ जाएंगे. लेकिन अगर आप थर्ड लेवल पर जाना चाह रहे हैं, तो और आप समझते हैं कि आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है कि आप वर्कआउट करने के लिए थर्ड लेवल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये हार्ड बैंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो आज चूंकि बिगनर्स का सेशन है, तो मैं आज सॉफ्ट से स्टार्ट करूंगी. जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो मंडे का दिन होता है हमारा अपर बॉडी वर्कआउट होता है, तो आज हम रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करेंगे. रेजिस्टेंस का नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब है रेजिस्ट करना. इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्टेमिना बनता है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से. स्टेपर लेते हैं, वही फोर स्टेप लेंगे आप. वार्म अप करेंगे, एकदम एक्सरसाइज शुरू नहीं कर देनी है जैसा मैं हमेशा करती हूँ. पहले वार्म अप करती हूँ, इसके बाद स्ट्रेच करते हैं, इसके बाद हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर.
साइड टू साइड, हाथों को मूव करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से. नाउ हम स्ट्रेच करेंगे. Now, अब मैं आपके सामने यूज कर रही हूँ सॉफ्ट रेजिस्टेंस बैंड. अपर बॉडी वर्कआउट होगा आज, ठीक है. आपने क्या करना है, शोल्डर डिस्टेंस देना है अपने पैरों में. आपका डिस्टेंस होगा शोल्डर लेवल के ऊपर और आपका जो बैक स्ट्रेट होगा, टमी इन चेस्ट और हिप्स इन. आपने इतना लेना है इसको, कितना रेजिस्ट करेंगे अपना शोल्डर लेवल ले लेंगे. यहाँ से आपने इतना इसको रेजिस्ट करना है. थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. इसकी वजह से बहुत रेजिस्टेंस फील होती है आपको शोल्डर्स पे, बहुत ज़्यादा बाइसेप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा. तो इट्स अ गुड साइन, इसमें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसी तरह से आपने अपने शोल्डर के ऊपर रखना है इसको बैक साइड पे. एंड अब आपने ट्राइसेप के ऊपर वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है. पहले आपने बाइसेप के ऊपर किया था, अब आपने ट्राइसेप के ऊपर काम कर रहे हैं. नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको अपने बैक पर रखेंगे, ठीक है. अपने बैक पर रखना है आपने इस तरीके से और थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे, ठीक है. शोल्डर लेवल पर इसको रखेंगे. स्ट्रेच अप, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अगेन बाइसेप के ऊपर वर्कआउट हो रहा है मेरे. नाइन टेन. अब इसी को अपने बैक पे रखेंगे. अगेन वन टू. अब आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मेरे शोल्डर्स और मेरा चेस्ट के ऊपर वर्कआउट हो रहा है, ठीक है. याद रखें आपका पोस्चर 100% सही होना चाहिए. ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना हाथ रखना है, ठीक है. और मैं इसको ये कर लूँ, फोल्ड कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. और इसी तरीके से आपने इस साइड पर आ जाना है, ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. अभी आप नोट करेंगे कि ये बाइसेप ट्राइसेप के ऊपर वर्कआउट हो रहा है. इसी तरीके से अब मैं जो एक्सरसाइज करने लगी हूँ उसमें बाइसेप और ट्राइसेप दोनों एक साथ वर्कआउट करेंगे. किस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ. बैक पे होके आपने इस तरीके से इसको होल्ड करना है, ठीक है. ठीक है, मैं फ्रंट पे आपको दिखा दूँ. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. और इसी तरीके से आपने अपनी साइड चेंज करनी है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ओके व्यूअर्स, तो ये आज मैंने वर्कआउट अपर बॉडी वर्कआउट दिखाया रेजिस्टेंस बैंड के साथ. अब चूंकि आपको अपने इस वक्त शोल्डर्स पे और स्पेशली यहाँ बाइसेप में और यहाँ ट्राइसेप में अभी आपको काफ़ी स्ट्रेच मसल्स काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा होगा आपको, तो मैं आपको उसकी स्ट्रेचिंग बता दूँ. वही आपने करना है जैसा हम हमेशा करते हैं अपर बॉडी वर्कआउट के बाद. जिस मसल पे आपने काम किया है उसको रिलैक्स भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो पुल ना हो जाएं, ठीक है. याद रखें, मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ, प्रॉपर वर्कआउट के लिए आपको प्रॉपर वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है.
वर्कआउट करने के बाद भी वैसे ही जो है वो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मसल जिस पर आपने काम किया है उस पर स्ट्रेस फील होता है और उस पर प्रेशर पड़ता है, तो उसको रिलैक्स किस तरह से करना है, स्ट्रेचिंग के थ्रू रिलैक्स करना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप वन मोर इनहेल एंड एक्सहेल। ओके व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वर्कआउट जरूर पसंद आया होगा और आपने अपने घर में बैंड भी ख़रीद के रख लिया होगा, जिसको हम रेजिस्टेंस बैंड बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल इंशा अल्लाह कल मैं आपके एब्डोमिनल वर्कआउट के साथ करूँगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।